वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आपका स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल्स को किस प्रकार आइडेंटिफाई किया गया और किस प्रकार इन्हें नामकरण दिया गया, किस कैटेगरी में कोई एनिमल या प्लांट जो भी है वो रखा जाता है, ये हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। और इसके लिए इसकी क्या हिस्ट्री है और किन किन साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया इन जंतुओं के नामकरण में, ये देखिए। द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक्स। जो भी एनिमल्स होते हैं उनका जो पहचान करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन और उनका आपस में क्या संबंध होता है, इसकी जो अध्ययन किया जाता है उस साइंस की ब्रांच को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज यूज्ड बाय लीनियस। लीनियस द्वारा सबसे पहले सिस्टमेटिक्स शब्द का यूज किया गया 1707 में। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण क्या होती है, साइंस की ये ब्रांच होती है जिसमें एनिमल्स की पहचान, उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण किया जाता है, ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइंड बाय APD कंडोल 1813 में टर्म टैक्सोनॉमी को कंडोल ने दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले 1940। जो न्यू सिस्टमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था ये जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया था। इट डील्स विद द सब स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स। पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स को समझने के लिए ये ब्रांच दी गई थी सिस्टमेटिक्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई भी जंतु का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, जो भी हम स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें आसानी होती है, जंतु को वर्गीकृत कर लेते हैं अगर हम तो वो अध्ययन हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। नॉलेज ऑफ एफिनिटीज, जो भी आपस में जीवों के बीच कोई बंधुता या सजातीयता होती है वो इसके द्वारा ईजी हो जाती है, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन का महत्व होता है। नॉलेज ऑफ सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन या किस प्रकार से उद्विकास होता है, एनिमल्स किस प्रकार से जनरेट होते हैं और बाद में कैसे उनका आगे डेवलपमेंट होता है, इस सीक्वेंस का जो ज्ञान होता है वो हमें क्लासिफिकेशन के द्वारा ही समझ आता है। इसके अलावा जो एनिमल्स आपस में एक दूसरे से कुछ अलग अलग ग्रुप से समानता दर्शाते हैं और वो गुण उनमें मिक्स रूप से आ जाते हैं तो वो कनेक्टिंग लिंक्स होती हैं, तो कनेक्टिंग लिंक के भी हमें क्लासिफिकेशन द्वारा पता चलता है। इसके अलावा एडेप्टेशन या अनुकूलन जो होते हैं, जो भी जीव एनिमल वातावरण में सर्वाइव करने के लिए कुछ उसमें अनुकूलताएं विकसित हो जाती हैं तो विपरीत परिस्थितियों से सामना करने के लिए वो एडेप्टेशन उसमें आती हैं, तो इसको भी हम क्लासिफिकेशन द्वारा समझ सकते हैं। इसके अलावा फाइलोजेनी, एनिमल ऑफ वन ग्रुप आर इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। कोई भी एक समान पूर्वज होता है उससे एक ग्रुप के सभी एनिमल्स उद्भव होते हैं, ये उसकी फाइलोजेनी होती है, ये भी हमें क्लासिफिकेशन के द्वारा पता लगती है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको यहाँ बताती हूँ। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी इन दिस बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम क्लासिफाइड एनिमल्स एंड दिस वॉज फॉलोड फॉर अबाउट 2000 ईयर्स। जो एरिस्टोटल थे इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन किया था। इन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है इनेमिया और दूसरी एनेमिया। इनेमिया में देखिए, इट इंक्लूडेड द वर्टिब्रेट्स एनिमल हैविंग रेड कलर ब्लड। जिन वर्टिब्रेट एनिमल्स में लाल रंग का ब्लड होता है उन्हें इन्होंने इनेमिया कहा। इसमें इन्होंने दो क्लासेस बताई, विवीपेरस और ओवीपेरस। विवीपेरस क्या होते हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस।
ये जो एनिमल्स होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, वेल या अदर मेमल्स, इनको विवीपरस कहते हैं। और दूसरे ओविपरस, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ये अंडे देते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और फिशेस और एवीज वर्ग, पक्षी वर्ग इसमें आता है, ये अंडे देते हैं और अंडों के बाद उसमें से बच्चों का जन्म होता है या डेवलपमेंट होता है। दूसरा ग्रुप इन्होंने बताया था एनीमिया। एनीमिया में वो इन वर्टिब्रेट्स आते हैं, एनिमल्स, जिनमें रेड कलर ब्लड नहीं होता, इनमें ब्लड रेड कलर का नहीं होता। द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे 1628-705। जो शब्द स्पीसीज है वो सबसे पहले जॉन रे ने बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज सबसे पहले मेयर ने बताया था। एक स्वीडिश बोटनिस्ट थे, कार्लस लिनियस, इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी 1735 में, और इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स के दो दो तरह से उसको नाम दिए थे। इसको नोमनक्लेचर कहते हैं, इसमें पहले जीनस नाम आता है और उसके बाद उसकी स्पीसीज आती है। अब नोमनक्लेचर ऑफ एनिमल्स किस प्रकार से होता है, इनका नामकरण दो तरह से होता है। एक मोनोनोमियल नोमनक्लेचर होता है, इसमें एक सिंगल नाम होता है, चाहे वो फैमिली से डेजिग्नेट करते हैं या ऑर्डर से या क्लास से या फाइलम से। बाइनोमियल नोमनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट या एनिमल जो भी है, उसका हम नोमनक्लेचर करने के लिए उसका नाम दो शब्दों में लिखा जाता है। जो पहला शब्द होता है वो जीनस होता है, इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज होता है। पहला जीनस होता है और सेकंड स्पीसीज, इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे नोमनक्लेचर में एक कॉमन नेम भी होता है, कोई भी एनिमल है उसका एक कॉमन नेम है जो आम भाषा में अपन बोलते हैं। इसके अलावा उसका साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। गोरैया जैसे होती है, सामान्य जो घरेलू चिड़िया होती है उसको हम गोरैया कहते हैं, लेकिन इसका जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम होता है पैसर डोमेस्टिका। पैसर यहाँ पर जीनस है, और डोमेस्टिका क्या है इसका, डोमेस्टिकस क्या है इसकी स्पीसीज है। तो जीनस का हम पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल में, और इसकी स्पीसीज को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन ये दोनों शब्द हम इटैलिक में लिखेंगे नोमनक्लेचर में। इसी प्रकार जो डॉग है उसको हम कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं, और हाउस फ्लाई है तो उसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। ये कैरोलियस लिनियस ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया। इसके अलावा ट्राइनोमियल नोमनक्लेचर भी दिया गया, इसमें तीन वर्ड यूज़ करते हैं जंतु का या नाम लेने के लिए। उसके नामकरण में पहला जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीसीज होता है, और तीसरा सब स्पीसीज होता है। जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस, 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 ये होमो यहाँ पर इसकी जीनस आ गया, और स्पीसीज सेपियन इसकी स्पीसीज है, और अदर सेपियन इसकी सब स्पीसीज है। रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोमनक्लेचर, जो साइंटिफिक नोमनक्लेचर या नामकरण दिया गया, इसके कुछ रूल्स हैं। जो कोई भी जंतु का वैज्ञानिक नामकरण करता है तो उसको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं, यानी तिरछे लिखे जाते हैं। पहला जीनस लिखा जाता है, फिर स्पीसीज और फिर सब स्पीसीज। इसके अलावा यदि एक ही जीनस या स्पीसीज को दो वैज्ञानिकों या दो साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया गया है, तो जिसका पहले पब्लिश हुआ उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है। फैमिली का जो नाम होता है उसके पीछे हमेशा IDAE लिखा जाता है। ये रूल्स ऑफ नोमनक्लेचर होते हैं। और ग्रुप्स इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स बनते हैं, इसका एक सिस्टम होता है, एक रैंक होती है जिसको हायरार्की सिस्टम कहते हैं। इसमें हम पहले किंगडम लिखते हैं, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। इस प्रकार से इसका हायरार्की सिस्टम होता है।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम या जंतु जगत के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दो दिए गए। इसमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स की स्टडी करते हैं और प्लांट किंगडम में प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट्स को इसमें रखा जाता है।